जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रुद्र सपोर्ट मैथ करियर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे घातांकों के नियम। इससे पिछले वीडियो में हमने घातांकों के दो नियम को सीख चुका है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जा करके उसे पहले अवश्य देख लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग घातांकों के रूल नंबर 3 यानी कि नियम नंबर 3 से को सीखेंगे। तो चलिएगा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले रूल नंबर 3 क्या कहता है, जब भी किसी संख्या के घात में m हो और उसके होल स्क्वायर में कोई संख्या दी हो, यानी कि जब भी किसी संख्या के पावर में कोई संख्या हो और उसके होल पावर में भी कोई संख्या, यानी कि उसके होल पावर में भी किसी संख्या यानी कि कोई भी संख्या दी हो, तो उसे हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे। तो उसका नियम जो है वह यह कहता है कि जो संख्या पावर में दी है उसके होल पावर में दी है, वो पावर वालों का गुणा हो जाता है। ठीक है, तो इस रूल नंबर 3 का मतलब यही होता है। तो चलिएगा देखते हैं। सबसे पहले हम इसको इस नियम को इस प्रश्न के माध्यम से एकदम आसान तरीके से सीखेंगे। तो चलिएगा देखते हैं। प्रश्न जो है आपका क्या दिया है, बड़ा ब्रैकेट उसके बाद छोटा ब्रैकेट उसके अंदर 5 और उसके ऊपर घात 3। ठीक है, फिर कोष्टक को बंद कर दिया गया है, उसके होल पावर में 4 रख दिया गया है यानी कि 4 रख दिया गया है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमारा रूल नंबर 3 क्या कहता है, जो संख्या के पावर में होल पावर में जो पावर दिया गया है यानी कि घात दिया गया है, उनका आपस में गुणा कर देना है। तो इस प्रश्न को तो अगर हम सिंपल वे में करें तो बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाएगा, लेकिन अगर हम इस घातांक के नियम से करते हैं तो यह मात्र आप 1 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिएगा रूल नंबर हमारा क्या 3 क्या कहता है, ये ध्यान से देखिएगा। अगर आपका ये इस प्रकार से किसी संख्या का दिया हो, तो देखिए एकदम सेम ये प्रश्न है, उसी प्रकार से ये प्रश्न दिया है जिस प्रकार से ये रूल नंबर आपका 3 है, यानी कि नियम नंबर 3 घातांक का। तो अब आपको करना क्या है, देखिए यहाँ 5 का घात 3 दिया है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 5 को लिख लेना है, यानी कि यहाँ ए दिया था तो यहाँ ए लिख लिया गया है। अब इनका आपस में क्या करना है, गुणा, सिंपल बस। तो अब देखिए आपको 3 का गुणा 4 में कर देना है। अब देखिएगा इसका आंसर आ जाएगा 5 का पावर 12। ठीक है, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको रूल नंबर 3 समझ में आया होगा। अब देखिएगा इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न हम आप लोग को और देते हैं, इसको आप लोग जरूर हल कीजिएगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखिएगा सबसे पहले आपको बड़ा ब्रैकेट दिया है, उसके बाद इस प्रकार से छोटे ब्रैकेट में 2/3, ठीक है, उसके पावर में 5, होल पावर कितना दिया है आपका 2। इसका आपको क्या करना है, इसका आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सेम इसी प्रकार से होगा, थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाएंगे तो इस प्रश्न को आप लोग हल कर पाएंगे। चलिएगा अब हम लोग बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 4 की। तो चलिए देखिएगा रूल नंबर 4 हमारा क्या कहता है। रूल नंबर 4 जो है हमारा घातांकों का यानी कि नियम नंबर 4, वह क्या कहता है, जब भी आपका संख्या इस प्रकार से दिया हो गुणे में और उसका आधार जो हो क्या हो, असमान हो और घात जो हो समान हो। आपको पता है कि आधार जो है वो समान हो असमान हो और घात क्या है, असमान हो। तो इस प्रकार के जब आपको प्रश्न मिलेंगे तो इसको आप लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो चलिएगा इसका रूल नंबर 4 जो है इसी चीज़ को बताता है। तो जब भी आपको किसी भी संख्या का आधार असमान मिले और घात समान मिले, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, किस प्रकार से हल करेंगे, इसको आप लोग इस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, असमान जो आपका आधार है उसको इस प्रकार से लिखेंगे और समान जो घात है उसको आप ऊपर उसके होल पावर कर देंगे। ठीक है, यही आपका रूल नंबर 4 कहता है। तो चलिएगा देखते हैं, यहाँ आपका दिया गया है, इस प्रश्न से आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ दिया है 2 का पावर 4 × 3 का पावर 4, तो इसको हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे। देखिएगा इसका जो है आपका यहाँ पे आपका बेस जो है यानी कि आधार जो है असमान है, तो आपको करना कुछ नहीं है, 2 × 3 और पावर में देखिए क्या है, पावर में आपका 4 है जो समान है, तो इसके पावर 4 कर देना है। अब आप इसको और भी हल कर सकते हैं, तो 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 और 6 का पावर 4, यह हो जाएगा आपका इस प्रश्न का आंसर। तो देखिएगा
कितना आसान है रूल नंबर 4। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यह नियम आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए इससे मिलता जुलता एक प्रश्न हम आपको और देते हैं, इसको आप लोग हल कीजिएगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखिए यहाँ दिया है 5/7, ठीक है, उसके पावर में आपको दिया है 3, ठीक है, और इनटू यहाँ दिया है 3/4, ठीक है, इसके पावर में भी दिया है आपका 3, इसको आपको क्या करना है, हल कीजिए इसको आप लोग। इस प्रकार से दिया रहेगा प्रश्न, आपको हल करना रहेगा। आपको अगर नियम पता है तो आप विद इन सेकेंड इसको हल कर लेंगे, अगर नहीं पता रहेगा तो आपको बहुत ज़्यादा समय भी लग सकता है। तो इस प्रश्न को आप लोग को हल करना है, ठीक है, तो इसको हल करके आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 5 की ओर, चलिएगा देखते हैं। चलिए अब हम लोग सीखते हैं नियम नंबर 5, यानी कि रूल नंबर 5। तो देखिए रूल नंबर 5 अपना क्या कहता है, जब भी आपका इस प्रकार से संख्या दिया हो भाग में और उसका आपका क्या हो, हर जो है बेस जो हो वो क्या हो, आधार असमान हो, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आधार, ठीक है, और ऊपर वाली को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, घात, यानी कि पावर, इसको बोलते हैं पावर, इसको बोलते हैं बेस, ठीक है। जब भी आपका बेस यानी कि आधार जो हो असमान हो और संख्या आपकी भाग में दी हो तो उसके लिए रूल नंबर 5 है, यह आपका क्या कहता है, देखिएगा, जब भी आपको इस प्रकार से संख्या दी हो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आधार जो है उसको बटे में लिख करके और पावर को होल पावर कर देते हैं इसके, ठीक है, यानी इस प्रकार से कुछ। तो देखिए हम लोग इस प्रश्न से इसको एकदम आसान तरीके से समझते हैं, 8/5 यानी कि 8^5 भाग 9/5, इस प्रश्न को हम लोग को हल करना है। देखिए सिंपल इस प्रकार से यह प्रश्न है, इसके लिए रूल नंबर क्या है, 5। देखिए इस प्रकार से जब भी आपको प्रश्न दे तो घातांक का नियम 5 लगता है। तो अब देखिएगा यहाँ पे आपको कितना कुछ नहीं है, अगर आपको नियम पता है तो आप बहुत ही आसान तरीके से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो देखिए हमें करना क्या है, यहाँ लिखना है 8/5, ठीक है, भाग का मतलब होता है बटे का, तो यहाँ देखिए 9/5। अब देखिए रूल नंबर हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा इस प्रकार से 8/9^5 यह आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए मात्र आप 2 सेकंड में आंसर दे सकते हैं अगर आपको नियम पते हैं। तो चलिएगा इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न हम आपको और देते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखिए दिया है 5/3, ठीक है, भाग उसके बाद 6/3 को हल कीजिए, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप लोग को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इससे पिछला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है जिसमें हमने एकदम बेसिक से घातांक के नियम को स्टार्ट किया था, तो उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का आप लोग को लिंक मिल जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग घातांकों से जुड़े यानी घातांक के नियमों से जुड़े और भी प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को वीडियो समय से मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।